तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या फिर अय्याशी करने के लिए? तू यहाँ क्या कर रहा बे? क्लास पहले से ही लगी हुई है। गुड, चलो एक एक करके सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दो। मोहम्मद रिजवान, ज्योति श्रॉफ, राकेश शर्मा, पूजा, मैं जनार्दन उर्फ जॉनी। जनार्दन उर्फ जॉनी, तो तू अपने आप को जॉनी लीवर का चेला? नो नो, नॉट एट ऑल। मैं तो अपने आप को जॉनी लीवर का उस्ताद समझता हूँ। फिर तो तुझे उसका वो आइटम फिल्म स्टार और हिजड़ों की कबड्डी भी याद होगा। वो आइटम तो मैंने उसे सिखाया है, तुम कहो तो करके बताऊं। अबे वो आइटम तो बच्चा भी कर सकता है, कुछ नया करके दिखा तो जाने। क्यों? कोई बात नहीं, नया कर देता हूँ, उसी को उल्टा कर देता हूँ। नया जो ना क्या है, घुमाओ 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 नया हो जाता है। नो प्रॉब्लम, कम ऑन, हियर वी गो। फर्ज कर लीजिए कि फिल्म स्टार्स हिजड़े हैं और किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए और ये पैसे मांगने जाएं तो कैसे मांगेंगे? सबसे पहले दिलीप कुमार। गोरे गोरे गाल पे घुंघराले बाल, अम्मा तेरे ले बलैया बाबा चुमे गाल। गोरे गोरे गालों पे घुंघराले बाल। आपकी गुलशन ने गुल खिला है जिसकी बैंक हमें तुम्हारे दौलत खाने ले आई है। अब आपका फर्ज अवलीन है, कुछ हम पे नजर इनायत करें। घर वालों ने कहा ये खुद ही बोलता है, खुद ही सुनता है। ये भाई अगले साल आना, पैसे भी ले जाना, बच्चा भी ले जाना। आप शत्रुघ्न सिन्हा हिजड़ा बन के पैसे मांगेंगे तो कैसे? गोरे गोरे गालो पे घुंघराले बाल, गोरे गोरे गालो पे घुंघराले बाल, अब तेरे लल बलैया बाबा चुभे गाल। गोरे गोरे गालो हो, तुम्हारे घर में तो बच्चा आ गया लेकिन छमे के जेब पैसा नहीं आया देना रे। घर वालों ने कहा अरे भाई तो बच्चे के सर पे हाथ रखने आया, घर में हाथ घुमाने आया। मैं सोच रही थी यहाँ किसी नए कबूतर की रैगिंग हो रही होगी, मगर यहाँ आके पता चला कि एक ओल्ड मैन टीनेजर की रैगिंग हो रही है। ओल्ड मैन? मैं अपनी रैगिंग कराने का पार्टी देता हूँ, समझी? हाँ, जब हर क्लास में दो दो साल फेल होते रहेंगे तो रैगिंग करवाने की पार्टी तो देनी पड़ेगी। नया खिलौना है,
चलो इससे खेलते हैं। क्या मैं वो खिलौना नहीं रहा? हेलो हेलो और इंट्रोडक्शन बाद में, पहले ये बताओ कि आज तुम नहा के आई हो या नहीं? जी मैं तो रोज नहाती हूँ। हम कैसे मान ले? जी जी हमें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें हमारे सामने इस स्विमिंग पूल में नहाना होगा। लेकिन मैं इसमें कैसे नहा सकती हूँ? Are you okay? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस बेचारे को पानी फेंक देने से अच्छा था क्या आप लोग खुद डूब के मर जाते? अगर इसके साथ कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अरे यार राजेश, हम तो बस रैगिंग कर रहे। रैगिंग? रैगिंग को आप लोगों ने कोई त्योहार समझ के रखा है जिसका मनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों की तरह बहुत से स्टूडेंट वकील डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में आए, मगर ऐसी गंदी रैगिंग के कारण उन्होंने बहुत सारे सुसाइड कर ली है। रैगिंग का मतलब होता है कि हर पुराना स्टूडेंट नए स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन दे ताकि उसके अंदर की सारी हीन भावनाएं बाहर आ जाए और वो हंसता खेलता अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। मगर आप लोगों ने इसे महज एक तमाशा बना के रख दिया है। अगर हर कॉलेज में ये खेल यूं ही होता रहा तो लोग इसे विद्या का मंदिर नहीं बल्कि शमशान और कब्रिस्तान मानकर डरने लगेंगे। यहां कोई नहीं आएगा। भाषण अच्छा देता है, इसे तो लीडर बनना चाहिए। लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि लीडर झूठ बोलते हैं और मेरा यार सच। हाय काजल। काजल हम कब से तेरा इंतजार कर रहे मेरा थे? मेरा नहीं, समोसे और चाय का। तुम्हें मालूम है काजल आएगी माल खाने को मिलेगा। तू कहाँ अपने जेब से खिलाती है? जब तक इस कॉलेज में अकल के अंधे और जेब से भरे हैं तो मुझे पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। काजल करीना की, ममता रवीना की, सेवा करे जो जॉनी की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है, है। ममता काजल रवीना को सेवा करनी होगी तो सुनील शेट्टी की करेगी, सलमान या सनी की करेगी? क्यों, मुझ में क्या कमी है? कमी तो कुछ नहीं है मगर उन जैसी ताकत नहीं है। ताकत? काजल शायद तुम्हें मालूम नहीं आजकल मैं अपने ऊपर भी कुछ खर्च कर रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ? तो फिर आजमा के देख लो। हम भी तो यही चाहते हैं। yeah. कि तुम मुझसे पंजा लड़ाओ। hmm? अगर तुम जीत गए तो मैं क्या, हम सब मान जाएंगे। हाँ? कि तुम ममता काजल रवीना से सेवा करवाने के काबिल हो। मुझे मंजूर है। ऐसे तो मजा नहीं आएगा, कोई शर्त हो जाए। अरे नहीं यार, बेचारा वैसे ही हारने वाला है, क्यों उसके पैसे खर्च करवाना? अपने मुंह मियां मिट्ठू, मुझे हर शर्त मंजूर है चंपा चमेलियों। अगर ये बात है तो एक दर्जन समोसे और चार चाय मंगा ही लो। हाँ ओके कमान पंजा। ये काजल दम लगा। लल्लू, तू और तेरा किताब का कीड़ा दोस्त कभी कोई बाजी नहीं जीत सकते। अरे इसका नसीब अच्छा है कि मेरा यार राजेश लड़कियों से पंजा नहीं लड़ा था। जिस दिन लड़कियों से पंजा लड़ाएगा ना उस दिन इसको हराने की जो मेरी तमन्ना है ना वो पूरी हो जाएगी। लेकिन पंजा लड़ेगा वो भी मुझसे? वैसे तुम्हारा दोस्त काफी समझदार है, वो अच्छी तरह जानता है जिस दिन वो मुझसे पंजा लड़ाएगा उसे अपने मर्द होने पे शर्म आने लगेगी।
पास आओ पंजा लड़ाओ। वो ठीक है। यस नहीं 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 ये बात नहीं है। इस किताब में जो लिखा है वो कि वाह 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 क्या बात है, तेरे हाथ में गुलाब का फूल ऐसा लग रहा है जैसे किसी वेजिटेरियन के हाथ में चिकन लॉलीपॉप थमा दिया हो। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि भाषण देने से लड़कियां इंप्रेस नहीं होती, उन्हें चाहिए प्यार का पाठ जो हम जैसे दिल वालों के खुली दुकान से मिल सकता है। तुम्हारे प्यार की दुकान पर तो नो स्टॉक का बोर्ड लगा हुआ है, कोई लड़की नहीं पढ़ सकती, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड? वो क्या है, अपना लड़कियों को पटाने का अंदाज कुछ और है। लड़की तो क्या एक परछाई की तरह होती है, जितना उसके पीछे भागोगे वो आगे आगे भागती है। इसलिए क्या है, मैं जानबूझकर लड़कियों को इग्नोर करता हूँ, और जब उसकी ईगो हर्ट होती है ना वो खुद चली आती है। ये है लड़कियों को पटाने का नया फॉर्मूला, समझे ना? What a confidence यार। मैं मान गया उस्ताद, मेरे साथ दो कदम चलेंगे आप? शौक से? इधर इधर नहीं नहीं ये यहाँ यहाँ चलो। इस कॉलेज की फेवरेट गर्ल काजल, इन्हें पटाइए, ये तुम्हें घास क्या घास रेट भी नहीं डालेगी, क्योंकि तुम उभरते हुए नेता ज्यादा लगते हो, रोमांटिक कम। देख जॉनी, मैं मानता हूँ कि मैं असूलों का बहुत पक्का हूँ, गलत बात मुझसे सहन नहीं होती, लेकिन हाँ जहां लड़कियों का मामला आता है ना, मैं दिमाग से नहीं दिल से काम लेता हूँ, कृष्ण कन्हैया बच जाता हूँ। वाह मेरे कृष्ण कन्हैया, गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं, जाइए जाइए। अभी जाता हूँ और तुझे दिखाता हूँ मैं। अरे यहाँ से छलांग मार के हाथ पैर तुड़वाओगे, उन्हें मौका नहीं दोगे, यहाँ से सीढ़ियों से जाइए। तू देख तमाशा क्या होगा इसका। ए कहूँ ना प्यारे, देखा देखी यार क्या मूवी, बहुत अच्छी तूने देखी? नहीं मैंने, इसका मतलब इसने कुछ भी नहीं देखा यार, क्या मूवी है। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? बिलीव मी, दिस इज एक्टेड वेरी वेल। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चलिए मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। देखिए आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आप में से सबसे हसीन कौन है? खैर आप कैसे बता सकती हैं, क्योंकि दुनिया की हर लड़की अपने आप को सबसे हसीन समझती है, लेकिन मेरी निगाह में सबसे हसीन वो लड़की है जिसको मैं ये गुलाब का फूल दूंगा। वाह क्या हुस्न है, और आंखें जैसे झील की गहराई, और होंठ जैसे गुलाब की पंखड़ियां, और चेहरा जैसे खुली किताब, और रूप जैसे किसी कवि की कविता। वाह राजेश, मान गया उस्ताद, मैं तो शर्त हार गया भाई, ये लो अपने 500 रुपए। शर्त? कौन सी शर्त? भूल गए, खैर तो बात नहीं, मगर एक बात तो पक्की हो गई, लड़कियों को तुम चुटकियों पटा सकते हो, क्या बात है, वाह वाह। अरे कमाल है तुम्हारा जवाब, नहीं क्या बात है, वाह। शर्म आनी चाहिए तुम लोग ऐसा मजाक करते हुए, लड़कियां पटाने की शर्त लगाई थी तो क्या मैं बुरी थी? इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 500? अरे तू दिन पर दिन निखरती क्यों जा रही है, आखिर तेरे हुस्न का राज क्या है? आई डोंट केयर यार, मैं टेंशन नहीं लेती, खाना कम खाती हूँ और देश का अन्न बचाती हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अरे दिल पे मत ले यार। दिल पे तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन इसका दिमाग जरूर ठीक करूंगी। हाँ। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है। तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों के इस तरह से छेड़ते हुए? मैं आपको छेड़ रहा हूँ? मैं तो गुनगुना रहा हूँ। वैसे आपका अंदाज अच्छा है लड़कों से बातचीत शुरू करने का,
ए, मैं कोई फालतू लड़की नहीं हूँ। हाँ वो तो नजर आता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ मतलब ये, जब कोई लड़की सर से लेकर पांव तक आओ मुझे छेड़ो का इश्तिहार लगाकर घूमेगी तो फिर बेचारे लड़के उसे छेड़ेंगे नहीं क्या? शट अप, ये आजकल का फैशन है। रात का फैशन शो में देख लेना, ये मॉडर्निज्म क्या होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। पूछ रहा है नया ये फैशन, तम तमा तम तम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? यार बदन पे इन कुड़ियों के कपड़े हो गए कम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? पूछ रहा है नया ये फैशन, तम तमा तम तम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? यार बदन पे इन कुड़ियों के कपड़े हो गए कम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? और से इनको देखो बनी है यार तमाशा। अर करती है ये किटपिट भूली अपनी भाषा, और से इनको देखो बनी है यार तमाशा। कोई कहता है इन्हें पटाखा, कोई कहता है बम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? यार बदन पे इन कुड़ियों के कपड़े हो गए कम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? चोली ना रहा घाघरा, गायब हो गई साड़ी। अरे ना बिंदिया ना पायल ना हाथों में चूड़ी, ना चोली ना रहा घाघरा, गायब हो गई साड़ी। क्या हुआ है इन कुड़ियों को नाक में कर दिया दम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? यार बदन पे इन कुड़ियों के कपड़े हो गए कम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? पूछ रहा है नया ये फैशन, दम दमा दम दम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? यार बदन पे इन कुड़ियों के कपड़े हो गए कम, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी उस गुरु के, जो गोविंद दियो बताए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आज यहां अध्यापक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच दलित महान नेता श्री धर्मदास जी पधारे हैं, जिसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं और
उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे सामने अपने विचार प्रकट करके हमारा मार्गदर्शन करें। आइए। आप सभी ने मुझे इस लायक समझा और इस अवसर पर मुझे यहां बुलाया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप में से बहुत से विद्यार्थी अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आते हैं। उनका यह कहना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे अपनी तरक्की के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों की तरक्की के बारे में भी सोचें। इसलिए इस वक्त मैं समाज की उस दुखती रग पर हाथ रखना चाहता हूं जिसे आरक्षण या रिजर्वेशन कहा जाता है। आरक्षण उस जरिया का नाम है जहां सब बराबर के अधिकार के साथ खड़े हो सकते हैं। हमारे देश की आधे से ज्यादा आबादी पिछड़े लोगों की है, जो अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देने तथा अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए भारी डोनेशंस नहीं दे सकते हैं। पिछड़े हमेशा पिछड़े ना रहे, इसलिए हमने स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभागों में उनकी नाम की सीटों में कुछ प्रतिशत वृद्धि कर दी। अब दौड़ शुरू हो चुकी, जीतेगा वही जिसके पैरों में ताकत है। हम चाहते हैं कि इस देश के सभी वर्ग तरक्की करें, विशेष तौर से विद्यार्थी। आपकी उन्नति में हमारी तरक्की है, इस देश की तरक्की है। और यही आशा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भाइयों, आप अपनी अपनी जगह पर खामोशी से बैठे रहें, अभी जलसा जारी रहेगा। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमी रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं। अरे नहीं प्राध्यापक साहब, सब ठीक है, सब ठीक। बस कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। मंत्री जी, हम आगे इंतजार करते हैं, आइए। अरे वाह मंत्री जी, आपकी स्पीच तो बहुत ही डिप्लोमेटिक होती है। अरे बच्चों, भाषण चाहे किसी भी पक्ष में हो, हमारा मकसद एक ही होता है, स्टूडेंट के पावर को अपने हाथ में रखना। यही पावर होती है जो हमारे जैसा नेता को कुर्सी पर बिठाती है और उतार भी सकती है। फिर बताइए सर, मुझे क्या करना होगा? देखो, अभी एक लॉ पास होने वाला है। इस लॉ से यह होगा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रोफेशन में पहले आरक्षण से तरक्की होती थी, अब यह होगा। तरक्की आरक्षण से नहीं, अपने टैलेंट से होगी। ऐसे मौके पर तुम हड़ताल कर दो। लेकिन आप तो दलित नेता है और हड़ताल में मारपीट भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। अरे नुकसान की शिकार भी हो, फायदा हमारा होना चाहिए। आग भी लगाओ और बुझाते हुए खुद भी न्यूज में रहो। ये सब सियासी बातें नहीं समझोगे। जित भी हमारी, पट भी हमारा है। तुम सिर्फ हमारे आदेश का पालन करते रहो, ठीक है? हाय सल्लू। कौन सल्लू? सलमान खान यार। व्हाट रबिश, व्हाट रबिश, कभी चुप। इन लोग को यकीन नहीं आ रहा है यार, याद है बचपन में लोग कितना एंजॉय करते थे? हम लोग साइकिल बेच के शोले देखे थे मिनरवा में। और सीरॉक के पीछे हॉट सीन देखते थे, कितना मजा आता था। जॉनी, या तुम सच में सलमान से बात कर रहे हो? यकीन नहीं आ रहा यार, इन लड़कियों को यकीन नहीं आ रहा यार। तू यहाँ आ जा एक बार, ऑटोग्राफ देखे देखे थक जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। अरे जैसे तू फिल्मों में हिट है, वैसे मैं यहाँ कॉलेज में हिट हूँ। हर साल फेल होता हूँ चैलेंज के साथ। ऐसा मेंटेन कर रखा ना, जैसे क्रिकेट की टीम मेंटेन नहीं करती है, हमें तो फेल होती रहती है, हारती रहती है। Like that. Johnny, introduce me to Salman. अरे why not? ये लड़कियाँ पागल हो रही है यार। जरूर जरूर, why not? यार come on, salute. Let's go. Salman personally. साला लड़कियों को impress करने की कोशिश कर रहा है। इसका ऐसा भांडा फोड़ूंगा ना, याद करेगा। अरे सल्लू तू यहाँ आएगा ना, अरे इन लड़कियों को देख के परेशान हो जाएगा, तुम्हारी हीरो ने भी कुछ इनके सामने। अच्छा तो तुम हम सबको उल्लू बना रहे थे,
नहीं नहीं उल्लू नहीं है ये, अरे नया मोबाइल है, इसमें दो ट्रैक है। हम चारों अलीबाग से आए हैं ना। अलीबाग, लेट्स गो। लिसन लिसन, कौन है? हाँ बेटा, मैं सल्लू नहीं रज्जू बोल रहा हूँ, रज्जू। अरे तू जो भी बोल रहा है मेरा दुश्मन बोल रहा है। क्या कहा मैं तेरे को, क्यों फोन किया? तेरा नंबर मेरे पास है, मैं तेरे को देख लूंगा। गलत टाइम पे फोन करता है। कल रात तो आंटी के अड्डे पे धमाल हो गया। हाँ। मैं जैसे ही कमरे में अंदर गया, हाँ। साले मुझे देखकर कहती है, ए चिकने आमिर खान। हाँ। मैं बोला हाँ। बोल रानी मुखर्जी, चलती क्या खंडाला? तू सीधा खंडाला घाट में उतर गया? अरे नहीं यार, साला धोखा हो गया। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही पुलिस की रेड पड़ गई। अरे ये साला तो भाग निकला। अपुन सड़ेले बाथरूम में दो घंटे तक बंद रहा। मैं वहां से भाग तो निकला, लेकिन साले मेरी पैंट वहां छोड़ गई। सिंगापुर की थी, भाई ने लाकर दी थी। अबे ये सिंगापुर चड्डी तेरा बैंड बजाएगी, पुलिस के कुत्ते सूंघते हुए आएंगे और पूछेंगे ए चलता क्या अंदर। अरे यार बात तो वही हो गई, खाए ना पिया, ग्लास थोड़ा बारा ना। अरे तुम लोग ऐसी जगह पर जाते ही क्यों हो यार, जहाँ कभी चड्डी और कमीज छोड़कर भागना पड़े। अपनी तो एक स्टाइल है, पटी तो पटाई, नहीं तो फिर ब्रह्मचारी। अबे शाने, तू कितना शरीफ है हम सब जानते हैं, क्यों? कल तक तो तू आशिक कुमार के नाम से मशहूर था, इतनी जल्दी भूल गया क्या? गुरु गुरु, अगर ये आइटम पट गई तो समझ ले तेरी लाइफ बन गई। अबे इसमें क्या है? हाँ। ट्राई मार के देखते हैं, पट गया तो अपना और नहीं मिला तो सपना। ठीक है, फिर तू इसे पटा कर दिखा, हम सब मिलकर तुझे एक जबरदस्त पार्टी देंगे। ठीक है भाई, अभी पटाता हूँ। बहुत अच्छा था। हाय बेबी, हाउ आर यू? मैं बेबी नहीं हूँ, मेरा नाम काजल है। अरे हम दिल वाले टाइटल नहीं, पूरी फिल्म देखते हैं। फिल्म क्यों? फिल्म देखने का इतना ही शौक है तो घर जाके वीडियो फिल्म देखो, ये कॉलेज है, तुम्हारे बाप का थिएटर नहीं। अच्छा बहुत बोलती है तू, चल। अरे चल आज मैं तुझे पूरी फिल्म दिखा के छोड़ता हूँ। क्रांति तो अच्छी तरह जानता है कि गलत बात मैं सहन नहीं करता, निकल ले यहाँ से वरना तुझे मार के फिल्म का क्लाइमैक्स मैं यहीं बना दूंगा। अबे चल बे। ये क्या हो रहा है? क्रांति, कॉलेज का माहौल तो तुमने पहले से बिगाड़ रखा था,
और अब मारपीट में उतर आए। दिस इज वेरी बैड। और राजेश तुम भी? नहीं सर, इसमें राजेश का कोई दोष नहीं, बल्कि सारा दोष इस क्रांति का है। बट आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ बिहेवियर। इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करनी होगी। मंत्री महोदय, आपका मतलब है कि मैं क्रांति की इतनी बड़ी गलती माफ कर दूं? अरे क्रांति की गलती कहां है प्रिंसिपल साहब? गलती तो उन लड़कियों की है जो कॉलेज में छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है और नौजवान लड़कों को दावते गुनाह देती है। देखिए, आप उन लड़कियों को समझाइए कि ऐसे कपड़े ना पहने, और रही बात क्रांति की, हम उसे समझा देंगे। सर, क्रांति को तो आप समझा देंगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने अगर मुझसे पूछा कि मैंने क्रांति को क्यों और कैसे माफ कर दिया, तो मैं उन्हें क्या समझाऊंगा? अरे कह देना कि अगर क्रांति को कॉलेज से निकाल देता तो वो लड़की भी बदनाम हो जाती जिसकी इज्जत पर क्रांति ने हमला किया था। उस लड़की की इज्जत के खातिर क्रांति को वार्निंग देकर माफ करना पड़ा, और क्या। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। नमस्कार। नमस्कार। ये तो बड़े आराम से मान गया। माना नहीं, उसकी जिम्मेदारी ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे कॉलेज से निकलवा दूंगा, और कॉलेज से निकलने के बाद वो इस काबिल नहीं रहता कि अपनी दो जवान बेटियों की शादी करा सके। प्रिंसिपल तो मेरी बात मान गया, लेकिन आज तू भी मेरी एक बात मान ले। आज के बाद कॉलेज में ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जो कॉलेज का प्रेसिडेंट तो क्या, कॉलेज में रहने के काबिल भी ना रहो। मंत्री जी, आपके होते हुए मुझे कॉलेज से कौन निकाल सकता है? और रही प्रेसिडेंट की बात, तो आज तक इलेक्शन में मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत किसी ने नहीं की। जॉनी जॉनी, तुम्हारा दोस्त राजेश कहाँ है? ओ, तुम मेरे यार राजेश को ढूंढ रही हो? हाँ। वो तो तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा, देख लो। देखा, आ गई ना। अरे जाएगी कहाँ, मेरे पास ही आएगी। हाय, हाउ आर यू? हाय हाय। ओ हाय, हाउ आर यू? फाइन। हाय सारिका, हाउ आर यू? तुम्हें तुम्हारे बारे में एक बात पता है? कि तुम बहुत खूबसूरत हो। रियली? हाँ, अरे खुद प्रोफेसर कह रहे थे। शिट। अच्छा एक बात बताओ, तुम आज शाम को क्या कर रही हो? मैं भी आया। हाँ।
देखो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जॉनी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है कि तुम अंदर से क्या और बाहर से क्या हो। अच्छा, इसलिए तुम मुझे चढ़ाने के लिए उन लड़कों के साथ बात कर रही थी। तुम क्या कर रहे थे, कृष्णा बनकर उन गोपियों के बीच अपना टाइम पास कर रहे थे? ए, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। लेकिन तुम उस लड़के के कान में क्या कह रही थी? तुम क्यों जल रहे हो? मैं प्यार का जवाब प्यार से देती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। अंदर से प्यार और बाहर से रिजर्व होने की एक्टिंग नहीं करती। ओ, तो तुम कौन सी दूध की धुली हो? अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो उससे कहती क्यों नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तो कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सामने वाला भी तो कुछ मुंह से फटे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, सिर्फ चाटा मारा जा सकता है। तो फिर चलो, चाटा नहीं ताली बजाते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। होले होले हम दोनों में प्यार तो होना था। अच्छा, होले होले हम दोनों में प्यार तो होना था। हाँ। तू मेरा है आखिर ये इकरार तो होना था। अरे तू मेरा इकरार तो होना था। हल्ले हल्ले हम दोनों में प्यार तो होना था। हल्ले हल्ले हम दोनों में प्यार तो होना था। तू मेरी है आखिर ये इकरार तो होना था। तू मेरी है आखिर ये इकरार तो होना था। ला 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 तुझे बना के अपना मैंने देखा था। सच हो गया मेरा सपना। हो मस्ती छाई मस्ती, हाँ तुझे बना के अपना। हाँ हाँ मैंने देखा था। सच हो प्यार किया तो कुछ ना कुछ मेरे यार तो होना था। प्यार किया तो कुछ ना कुछ मेरे यार तो होना था। अरे तू मेरा है आखिर ये इकरार तो होना था। तू मेरा है आखिर ये इकरार तो होना था। हल्ले हल्ले हम दोनों में प्यार तो होना था। हाँ हल्ले हल्ले हम दोनों में प्यार तो होना था। तू मेरा है आखिर ये इकरार तो होना था। हाँ तू मेरी है आखिर ये इकरार तो होना था। ला 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 ला
ये गुलाब का फूल लेके आ। ये गुलाब का फूल नहीं है, मेरे सीने से निकला हुआ दिल है जो आपके हाथ में आकर तड़पना चाहता है, बदलना चाहता है। क्या आप अपना दिल हथेली पे लेकर घूमते हैं? हाँ, जब से लड़कियाँ अपनी जवानी हथेली पे लेकर घूमने लगी हैं, हाँ तो हम लोगों ने अपना दिल ट्रांसफर कर लिया है। हाय हाय, काश मैं घड़ी होता तो आपके गोरे गोरे हाथों में बंधा होता। आप मुझे देखती, मैं आपको देखता और कहता टाइम क्यों नहीं पूछती है। आज आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं, है ना? अरे मैं तो पैदाइशी रोमांटिक हूँ। अच्छा। मेरी माँ कहा करती है, डॉक्टर ने बताया कि जब मैं पैदा होने वाला था कि मैं बगैर ऑपरेशन का पैदा हो ही नहीं सकता। ओ। लेकिन फिर भी मैं पैदा हो गया, पूछो कैसे कैसे। मेरी माँ की सेवा में खूबसूरत नर जो थी। अच्छा, वो जो दूर से आ रहे है ना। हाँ? वो मेरे वीरप्पन भैया है। अच्छा। और वो ब्लैक बेल्ट भी है। उन्होंने मार तोड़ में बहुत अवार्ड भी जीते हैं। ये फूल नहीं है, मेरी भूल है। मेरे को रोमांटिक नहीं हुआ। मैं तो इलास्टिक हूँ, प्लास्टिक हूँ, इस कॉलेज का एंटिक हूँ। मैं चलता हूँ। अरे आप आ रहे हैं। अरे जनाब सुनिए तो। अरे मेरे भाई से मिल जाइए। डेंजर है, डेंजर है, डेंजर है। अरे देखो क्रांति, जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ लॉ पास कर दिया है। तो फिर मैं कॉलेज में हड़ताल करा दूं? बिल्कुल करा दो, वक्त बर्बाद मत करो, बिल्कुल करा दो। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक करो, हमें हमारा हक चाहिए, हक वापस करो। साथियों, साथियों, ये नारेबाजी करने से हमें हमारा हक वापस नहीं मिलेगा। अगर हमें हमारा हक वापस चाहिए तो इसके लिए हमें कुर्बानी देनी होगी, कुर्बानी। मैं अपने साथियों के भविष्य के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अगर ये बात है तो तुम्हें आत्मदाह करना होगा, ताकि तुम्हारे शरीर पे लगी आग की लपटों से कानून बनाने वालों की आंखें खुल जाएं और वे हमें हमारा छीना हुआ हक हमें वापस करने पर मजबूर हो जाएं। छात्र एकता, 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 छात्र एकता। तू इस कॉलेज का स्टूडेंट है नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि तू किसी ऐसे सांप का सपोला है जो हम स्टूडेंट्स की एकता को भंग करके उसमें जहर घोलना चाहता है। बता, तुझे यहां किसने भेजा है? बता, बता, तुझे यहां किसने भेजा है? बोल, बोल, तुझे किसने भेजा है? रुको राजेश, रुको। इस सपोले का फन तो मैं कुचलता हूं। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो बता यहां किस लिए आया था, बता। देख लिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से आज हमारा कॉलेज कितना बदनाम होता जा रहा है। कुछ लोगों ने आरक्षण को ऐसी गाड़ी समझ रखा है जिसमें बैठकर वो आसानी से अपनी मंजिल तय करना चाहते हैं। न जाने वो कौन सी कोख है जिसमें ये सारे भेदभाव पलते हैं। मंदिर और मस्जिद में आने वाले से कोई नहीं पूछता है कि वो कौन है, कहां से आया है। तो फिर इस विद्या के मंदिर में यह भेदभाव क्यों? यह विजय पासवान भी तो आरक्षण की लिस्ट में आता है, मगर इसने स्कूल से लेकर कॉलेज तक कभी अपने आप को किसी से कम महसूस नहीं किया, और यही वजह है कि हमेशा फर्स्ट आया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तुम लोग हमदर्दी भीख के रूप में क्यों चाहते हो? अगर सरकार ने मेडिकल या इंजीनियरिंग से आरक्षण को हटा दिया है तो आप लोगों को अपनी मेहनत से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनके इस दुनिया को दिखा देना चाहिए कि आप लोग भी किसी से कम नहीं हैं। मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। मुझे भी आरक्षण नहीं चाहिए। हिम्मत जो करेगा क्रांति उसकी टांगे तोड़ देगा। ये दादागिरी आखिर कब तक चलेगी? किसी ना किसी को तो क्रांति के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। लड़ाई? अरे इस बार तो जंग होगी, जंग। वो कैसे? वो ऐसे जॉनी सही कह रहा है। यस सर। दो साल तक किसी ने भी इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम नहीं दिया तो मजबूरी में कांति ठाकुर को प्रेसिडेंट बनाया जाता था। इस बार आप सबके अपने दोस्त
राजेश पंडित ने अपना नाम दिया है। जल्दी करो, ये लो। क्या कर रहे तुम लोग भाई, जल्दी करो ना। तू ये ले। कमन कमन हरी अब। अरे भाई उठाओ जल्दी। क्रांति भाई जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा राजेश पंडित, जीतेगा। अबे खड़ा होना था तो साइड में खड़ा होता, नीचे खड़ा हो गया। देखते हैं राजेश पंडित है वजनदार आदमी, दबके मरेगा बे। तेजी तो वोट फॉर राजेश पंडित, वोट फॉर राजेश पंडित, वोट फॉर क्रांति ठाकुर, क्रांति ठाकुर, क्रांति ठाकुर, राजेश पंडित, वोट फॉर राजेश पंडित। इस साल कॉलेज का प्रेसिडेंट राजेश पंडित को चुना गया है। राजेश पंडित जी को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। अच्छा अच्छा, राजेश जी को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। अच्छा अच्छा, मैं भी आता हूँ। ओके, देखा देखा देखा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपने मुझे बुलाया, बैठो। थैंक यू सर। तुम्हें बुलाया तो हमने है, लेकिन तुमसे मिलना चाहते हैं मंत्री धर्मदास जी। सर उन्हें मुझसे क्या काम है? हो सकता है तुम्हें तुम्हारी जीत की मुबारकबाद देने के लिए बुला रहे हो। देखो राजेश, ये सियासतदान हर उस आदमी को अपने साथ रखना चाहते हैं जिसके पास जरा भी ताकत हो, और उन्हें इस बात का पता चल गया है कि तुम्हारे पास स्टूडेंट्स की ताकत है। लेकिन सर मैं सियासत और सियासतदान दोनों से दूर रहना चाहता हूं। मैं गो सर? यस यू कैन गो। थैंक यू सर। मंत्री जी, आपकी जो सेवा मैंने की है वो कोई और नहीं कर सकता, और वो राजेश वो तो आपसे मिलने को भी तैयार नहीं है। हाँ अगर आप कहें तो मैं उस लौंडे को उठाकर ले आऊं। अबे चुप है, उठाने की बात करता है। अगर तू उठाने के काबिल होता तो वो छोकरा राजेश तुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी से नहीं उठाता। वो मुझसे नहीं मिलना चाहता ना, मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। मैं आई कम इन सर। कम इन राजेश। मंत्री जी ये है राजेश। हेलो, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आता हूं। राजेश बाबू हम इतने बुरे इंसान तो नहीं हैं कि आपने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे मिलने में कोई एतराज नहीं था, मगर मैंने सोचा कि आप सियासतदान हैं और सियासत मेरा सब्जेक्ट नहीं, फिर मिलकर मैं किस टॉपिक पर बात करूं। बात तो करने चले आते, बातों बातों में शायद ऐसी कोई बात निकल आती जो तुम्हारे काम की होती। अगर ये बात है तो कहिए आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। बात यह है कि इस कॉलेज का पहला प्रेसिडेंट क्रांति हमारी छत्रछाया में था, दुनिया के सारे ऐशो आराम से मिलते रहे। अब तुम इस कॉलेज के प्रेसिडेंट हो, मैं चाहता हूं वो सारे ऐशो आराम तुम्हें भी मिल जाए, और इसके बदले में आप जब चाहेंगे मुझे कॉलेज में स्ट्राइक करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बसों को जलाना पड़ेगा, शहर में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। मंत्री महोदय, आपने यह सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर यह सब करने को मैं तैयार हो जाऊंगा? बच्चे, इस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास हजारों लोग हैं। एक कहावत है, पूंछ के पांव पलने में नजर आते हैं। ये जो कॉलेज है तुम्हारा पलना है, और हमने तुम्हारे पांव देख लिए हैं। मैं चाहता हूं तुम मेरी उंगली पकड़कर चलना शुरू करो, कामयाबी की मंजिल तक आराम से पहुंच जाओगे। और जिस दिन आपका दिल चाहेगा आप अपनी उंगली छुड़ा लेंगे, और मैं इतनी जोर से गिरूंगा
कि फिर से संभलने के काबिल नहीं रहूंगा। मंत्री महोदय, मुझे तो आप माफ कर दीजिए, सियासत के चक्रव्यूह में फंसने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज जरूरत नहीं है, शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर जरूरत पड़ जाए तो धर्मदास को याद कर रहा हूं। निराश नहीं होने देंगे। अरे काजल, तुम यहां हो? और मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या बात है, कुछ अपसेट हो? बात ही कुछ ऐसी है राजेश, कल रात भर मैं सो ना सकी। क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ? कल कुछ लोग घर पे मिलने आए थे, पिताजी ने मुझसे पूछे बगैर ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का कौन है? लड़का? लड़का तो बहुत हैंडसम है, लंबा चौड़ा हीरो की तरह। पार्टी बहुत बड़ी है, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ उनके पास। तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? फैसला मेरा नहीं राजेश, मेरे पिताजी का है। शिट, हिंदुस्तान में यही तो ट्रेजेडी है, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। और मैं भी तो एक हिंदुस्तानी नारी हूँ ना। तो फिर ऐसी हिंदुस्तानी नारी को शादी से पहले प्यार करने की क्या जरूरत थी? मजबूरी थी, अब प्यार हो गया तो मैं क्या करूँ राजेश। हाँ कुछ मत करो, शादी करो और खुश रहो। अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो काफी सीरियस हो गए। दिल, हाय मेरा दिल।
अरे जॉनी। हाँ जी। अरे तूने बताया ना यार कि आखिर तू ये पार्टी क्यों दे रहा है? अरे मुझे खुशी कि आपने मेरी दावत कबूल की है। पहले आप खा पी लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि मैं ये पार्टी किस खुशी में दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो दोस्तों। हाँ जी, पहले पेट पूजा कर। आई आई आई। अरे जॉनी, हाँ जी, तू हमारे साथ नहीं आ रहा क्या? अरे क्या बात है, मैं सब करूँगा, आप बैठिए, मैं सब करूँगा भाई। क्या बात है, मजा आ गया। अरे 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 ग्रेवी दो यार, अरे चिकन ग्रेवी भेजो यार। क्या बात है, ठीक रहा भाई? अरे वाह जॉनी वाह, खाने का मजा आ गया। अब तू एक काम कर, पहले ये बता तूने पार्टी क्यों दी थी? वो क्या है कि मैंने एक मन्नत मांगी थी। अभी मत पूछिए काय की मन्नत मांगी थी मैंने। अगर मेरी मन्नत पूरी होती है तो मैं कुछ फकीरों को खाना खिलाऊंगा। मेरी मन्नत पूरी हो गई इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर खाना खिला दिया। तेरी तो तू हमको फकीर समझता है? नहीं 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 भाई, फकीर लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, आप तो उनसे भी गए गुजरे हैं। अच्छा ये बताओ, हम शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे? पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिर हनीमून होता क्या है जो शादी के बाद ही मनाया जाता है? मुझे क्या पता, मैं तुमसे पहली बार शादी करने वाली हूँ। अरे तो मैं भी तो पहली बार शादी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जब शादी करेंगे जान लेंगे, अभी क्या जरूरत है? ठीक है, जब शादी करेंगे तो मालूम कर लेंगे कि हम लोग हनीमून कहाँ मनाएंगे। मगर हमारी शादी कब होगी? जब तक कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता हूँ, यानी कि आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाता हूँ। अरे हाँ काजल, एक बात तो मैं तुमको बताना भूल ही गया, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे उसकी तैयारी करनी है, और तब तक हमारा मिलना जुलना एकदम बंद, यानी कि दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, आज के बाद से मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगी, क्योंकि मुझे भी अपना एक सपना पूरा करना है। तुम्हारा सपना? मुझे जर्नलिस्ट बनना है और उसके लिए मुझे कोर्स पास करना पड़ेगा। लेकिन तुमने तो ये बात पहले मुझे कभी बताई नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने भी नहीं बताया। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। राजेश, तुम भी अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू। अब हम दोनों तब मिलेंगे जब हम दोनों के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट। थैंक यू सर। मिस्टर राजेश? यस सर। गुड, वेरी गुड, थर्ड फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। आस्क हिम। आप जुर्म और मुजरिम को क्या समझते हैं मिस्टर राजेश? सर दोनों में चोली दामन का साथ है, मुजरिम वो गोद है जिसमें जुर्म पलते हैं। मिस्टर महादेवन, मिस्टर राजेश, फर्ज कीजिए कोई ऑफिसर किसी इलाके में ड्यूटी कर रहा है और उस इलाके में कुछ घरों में आग लग जाती है जिसमें उस ऑफिसर का भी घर है, उस ऑफिसर का क्या फर्ज होगा? वो अपने घर को बचाएगा या दूसरों के घरों को? सर इंसान का फर्ज और फितरत दो अलग जज्बे हैं। फर्ज तो यही कहेगा कि सबके घरों को बचाया जाए, मगर इंसान की फितरत पहले उसे खींचकर अपने घर की तरफ ही ले जाएगी। मोरे साहब, पुलिस की वर्दी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर वर्दी में बलिदान का कपड़ा, फर्ज के धागे, देश सेवा के बटन लगते हैं और तभी वो पहनने वाले के दिल में फर्ज की भावना पैदा करती है। मिस्टर महादेवन,
आपको इनसे कुछ और पूछना है? नो सर, मुझे नहीं लगता कि कुछ और पूछना है। ऐसे होनहार कैंडिडेट को आईपीएस ऑफिसर बनना ही चाहिए। ऑफ कोर्स मिस्टर राजेश, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओ काजल, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ओपा, मैं जानती हूँ, प्लीज छोड़ो तो मुझे। काजल, जानती हो मुझसे क्या कहा गया? कि मुझ जैसे होनहार को अफसर बनना ही चाहिए। तुम्हें पता है काजल, जब मैं अफसर बन जाऊंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा? अपने पिता का कर्ज अदा करूंगा और अपनी छोटी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा। और फिर हम दोनों की शादी होगी और हम किसी हिल स्टेशन पर अपना हनीमून मनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, घर बसाएंगे और हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। क्यों, होगी ना? हाँ। ये एक्सक्यूज मी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? सर, यस, उस दिन आप ही ने कहा था ना कि मुझ जैसे होनहार को ऑफिसर बनना ही चाहिए, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया? देखो मिस्टर राजेश, कमीशन एग्जाम में हजारों लड़के बैठते हैं, अब सारे तो सिलेक्ट नहीं हो सकते ना। मैं मानता हूं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी, लेकिन फाइनल डिसीजन उन लोगों का होता है जो हमारे ऊपर बैठते हैं, जिन्होंने आरक्षण कानून बनाया है। इस बार कई सीटें आरक्षण लिस्ट में थी, हो सकता है इसी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ हो। आरक्षण, भले ही उनमें ऑफिसर बनने की ख्वाहिश ना हो, मगर आप उन्हें बना देंगे क्योंकि वो आरक्षण लिस्ट में आते हैं। वाह रे आपका कानून, वाह! इस कानून के दलदल में फंसकर न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सर एक काम कीजिए, बहुत से अनाड़ी भी आरक्षण लिस्ट में आते हैं, उनको भी ड्राइवर बना दीजिए और चलाने दीजिए गाड़ियों को और मरने दीजिए लोगों को, लेकिन इससे आपका और आपके कानून बनाने वालों का कुछ भी नहीं जाएगा। आरक्षण, तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने मुझसे ज्यादा मेहनत की है, लेकिन सिलेक्शन मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं। इसका मुझे बहुत अफसोस है। पता नहीं तकदीर बुरी थी या फिर आरक्षण मेरा सिलेक्शन खा गया। दिल छोटा मत करो राजेश, हिम्मत से काम लो। कहां से लाओ हिम्मत, अब मुझ में और हिम्मत नहीं रही। चिंता मत करो राजेश, तुम अगर चाहो तो वापस कामयाबी की चोटी तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकता हूं? मेरे गरीब बाप ने एक एक पैसा जोड़कर मुझे यहां भेजा था पढ़ने के लिए, और यहां तक कि अपना मकान भी गिरवी रख दिया, लेकिन मेरी नाकामी से मेरा ही नहीं बल्कि मेरे परिवार का भविष्य भी खतरे में पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आता
कि अब मैं क्या करूं? मायूस मत हो राजेश, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कोई रास्ता नहीं निकलेगा काजल। जिस पुल को मैं अपना रास्ता बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था, अब वो टूट चुका है। मुझे मालूम नहीं था सच्चाई और ईमानदारी से बनाया हुआ पुल इतना कमजोर निकलेगा। अब मैं अपनी जिंदगी में ऐसे रास्ते की तलाश करूंगा जो आसानी से मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। साहूकार जी, पिताजी तो घर पर नहीं है। साहूकार जी, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ, धर लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम काफी बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम अपने पिता का कर्ज अदा करना चाहती हो तो अदा कर सकती हो। अब पूछो कैसे? मेरी इन खूबसूरत बाहों में आकर। निकल जाइए यहाँ से। अरे निकल कैसे जाऊं, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। छोड़ दो मुझे। क्या क्या हुआ? सौकर चमचे तेरी। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। देख बे कुत्ते, इंस्पेक्टर तो मैं बन नहीं सका, पर खूनी बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा साले, वरना तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो मेरे पैसे वापस कर दो। आप दो दिन के अंदर ना तेरा पैसा तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगा। अबे चल यहां से। कितना मारा है? निकल यहां से। राजेश बेटा, दो दिन में इतने पैसे लाएगा कहां से? ये तो मुझे पता नहीं, पर लाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। चल बेटी। मंत्री जी ने मुझे बताया था कि तुम आज आने वाले हो। तुम उन्हें फोन पर ही बता देते कि तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है तो वो तुम्हारा इंतजाम करके जाते। आज सुबह ही उन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ा, वरना तुम्हारा काम आज ही हो जाता। क्रांति जी, मोतीलाल जी आए हुए हैं। अंदर भेज दो। जी। लो मंत्री जी, 2-4 दिन में आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। क्रांति जी नमस्ते। नमस्ते मोतीलाल जी, नमस्ते। और कहिए कैसे आना हुआ? वो अरे ये अपना खास आदमी है, जो कहना है बेफिक्र होके कहिए। क्रांति जी, कल्लू कुत्ते से एक जमीन का सौदा हुआ, उसने सिर्फ एडवांस दिया था, बाकी 7 लाख रुपए हजम करके बैठ गया। तो आपको हमने वो रुपए वसूल कर रहे हैं? हाँ जी। मंत्री जी अगर यहां होते तो आपका काम आज ही हो जाता, और आप तो जानते हैं कि मैं उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता। पर क्रांति भाई, कल सुबह मुझे पेमेंट करनी है। अरे भाई इतनी जल्दी है तो भैया जी से जाके मिल लो, वो आज ही वसूली कर देंगे। कल्लू अपने आप को उन्हीं का आदमी कहता है तो भैया जी वसूली क्यों करेंगे? अरे आजकल हर लुक्का अपने आप को भैया जी का आदमी बताता है, सिर्फ कमाई का ढंग है और कुछ नहीं। और वो कल्लू कुत्ता, उसने तो भैया जी का फोटो तक नहीं देखा होगा। आप उनसे जाके मिल तो लो। क्रांति भाई, मैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता हूं, मेरा हर मामला मंत्री जी ने हल किया है। खैर मैं बाद में आ जाऊंगा, नमस्ते। मोतीलाल जी। हाँ?
मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? कल्लू कुत्ते से मैं आपका पैसा वापस ला कर दे सकता हूँ, और वो भी आज ही। बदले में आप मुझे क्या देंगे? तुम्हारी क्या मांग है? 2 लाख रुपए। ओके, अगर मेरा पैसा मिल गया तो समझो 2 लाख तुम्हारे हुए। तो समझ लीजिए आपको आपका पैसा मिल गया। बस मुझे कल्लू कुत्ते का पता और टेलीफोन नंबर दे दीजिए। अभी कपूरी एक पत्ते में बैठा हूं। अभी ये झापड़ूस एक रानी का सवाल है, फेंकना क्या कलेजे से लगा के बैठा। आजकल तेरे कन्या वनिया मिलती नहीं क्या? अरे भाई तुम्हारे होते हुए अपुन को क्या कमी है? अरे अपुन तो वही पुराने मोहल्ले में जाता है, दिल बहला के आ जाता है। अबे तेरे वही पुराने सड़ेले गलेले दिल बहलाने वाली जगह पे मेरे को कमाल का कट पीस मिला यार। जैसे मैं उसके कमरे में उसके पास गया ना, साली बोलती है मेरा मूड खराब है, अपना दिल वहीं पे ठंडा। भाई, भाई। ये कल्लू कुत्ते का अड्डा यार, तू कहां अपनी होड़ी चप्पू की तरह लेके आया? चले कौन है? भाई मुझे बचा लो, पुलिस मेरे पीछे, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां तक आया हूं। अबे ये पुलिस एनकाउंटर का केस तो नहीं है, बाद में अपने गले पड़ जाएगा। नहीं भाई नहीं, आप मुझे बचा लो, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। काम आएगा? हाँ। ये जबरू तू डामर गोली में लेके जा, इज्जत से कुर्सी टेबल पे बैठा के खाना पानी भी पूछना, ठंडा भी पूछना, मारना ना नहीं। चल हाँ भाई, काम काज में लगता है। चल भाई। थैंक यू भाई। चल चल। थैंक यू भाई। क्या पुलिस से भागे हुए को बचाना अपना काम है, बाद में उंगलियों पे नचाना भी अपना काम है। अरे माँ की आँख, इंस्पेक्टर साहब, आप इधर काय को आने की तकलीफ की? मैं तो मिठाई पुलिस स्टेशन पहुँचा लाऊं। मैं यहाँ मिठाई खाने नहीं आया। दादर से एक चोर 20 लाख रुपए के हीरे लेकर भागा है, उसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। क्या वो यहाँ पर आया है? वो जवेरी बाजार वाला चोर इधर आया तो मैं आपको तोड़े, मेरा मतलब मैं सीधा पुलिस स्टेशन में लाकर जमा नहीं किया ना तो कल्लू कुत्ता अपना नाम नहीं, अपुन जिंदी चो लोग पे हाथ नहीं डालते, जरा ऊंचे लेवल के प्लेयर है। ठीक है, अगर वो यहाँ पर आए तो उसकी खबर मुझको जरूर देना। देंगे ना, सीधा पुलिस स्टेशन में। आपको अपनी जबान पे भरोसा नहीं क्या? लाया ना, पहले भी लाया ना दो तीन बिन 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 फिकर जाओ आप। ए, चलो अभी ये झापड़ूस दूंगा तेरे को, ये सब बंद कर, उस मजदूर को लेके आप, 20 पेटी का सवाल है। जी 20 पेटी मतलब 20 लाख। अरे आओ मेरे जवेरी बाजार के छोटे चोर, वो 20 लाख की पोटली है ना तेरे पास, वो टेबल पे रख दे। वो तो भाई, अबे वो करेगा ना तो खाली इधर से उधर खींचूंगा और अतड़ी तेरे गले में होगी, टोपी तेरे हाथ में, भीख मांगेगा। बिना बात जमरू। हाँ भाई, इसको 50,000 दे दे रे। चल काम का आदमी। भाई 20 लाख के हीरे के एक बात सुन, एक बात सुन, भाई बोल के गाली देना नहीं, कुत्ता बोलना शुक्र माना कि तेरे को 50,000 मिल लेला, तेरे को लुड़काने का इससे भी सस्ते में पड़ता हुआ बहुत थोड़ा भाई। आला ये चूना उना नहीं, हाथ डालना नहीं, जो मैं दूंगा वो ले लेना। चल पकड़ कमाल का हाथ मार ले। आप दोनों टाइम में इधर यार, कमाल है, आप मेरे पीछे पड़ गए आप यार। क्योंकि मुझे मालूम था कि 20 लाख रुपए का ये बैरर चेक तू ही कैश करेगा। साहब काम तो ये मुर्गे ने किया, अंडा अपन बांट के खा लेती ना। वैसे मैं हूं तो वेजिटेरियन, लेकिन कभी कभी नॉनवेज भी खा लेता हूं। चल माल ढीला कर। एक सेकेंड, ए तेरे 50,000 मिला ना, तू गलती का सब हवलदार लोगों में सल्टा डालो ना। चलो तुम लोग बाहर जाओ, मैं आता हूँ। थैंक यू। अंदर जाओ, बुलाऊंगा फिर आना। जी भाई। साहब पूरे 7 पेटी में सौदा मंजूर कर डालो। 7 पेटी कुछ कम नहीं है? साहब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, आपसे पहले जो साहब था ना वो इससे आधे में मांडवली कर लेता था। अच्छा चलो, जब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं मान ही लेता हूँ। थैंक यू। ओए जमरो, वो लाल वाली पेटी में मैंने 7 पेटी अलग से रखा, जल्दी ले क्या अभी लाया भाई। ए
दीवाने तेरे को उसूल मालूम है कि नहीं? जीप मेरा जीप है। ओके भाई, सॉरी सॉरी। ए पूरे है ना? अरे कुत्ते पे भरोसा रखो, कसम से पूरे। और हाँ, आइंदा कुछ ऐसा काम हो ना तो मुझको बुला लेना। पागल हूँ क्या? नहीं नहीं, वैसे तुम खुद समझदार हो। अच्छा चलता हूँ। ओके सॉरी। कुत्ता अपने को बोलता है, हड्डी खुद खाता है। लेकिन कल्लू कुत्ते क्या इधर की उधर टोपी फिराला है बाप? 7.5 पेटी का खर्चा, 12.5 पेटी का प्रॉफिट ले बाप। माय कल्लू कुत्ता, तू कौन बोल रहा है? जल्दी बोल, क्या बोलने का है वो भी जल्दी बोल। हाँ कल्लू कुत्ते, मैं इंस्पेक्टर भवानी बोल रहा हूँ, वही जिसको तुमने पूरे 7 लाख रुपए दिए थे और वो पैसे मैंने मोतीलाल तक पहुंचा दिए हैं। अबे अबे तू है कौन और क्या बोले ला और किससे बोले ला? तेरे को कुछ अक्कल है? बेटा मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। और हाँ एक खास बात तुमको बताना मैं भूल ही गया था, वो तुम्हारे पास हीरे है ना, वो नकली है, लेकिन तुम्हारे पैसे असली थे और वो पैसे मैंने असली आदमी तक पहुंचा दिए। अबे आराम खोर तेरी ये। हेलो, ए ए, अबे 20 पेटी के चक्कर में 7.5 पेटी की खुली टोपी अपने को कोई फिरा के चला गया यार। कल्लू तू बन गया लल्लू। राजेश बेटा, हमारे परिवार की इज्जत इन कागजात में कैद थी जो आज तुम वापस ले आए। मैं खुश तो बहुत हूं, लेकिन कहीं हमें खुश करने के लिए तुम किसी गलत राह पर तो नहीं चल दिए? बाबा फिलहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना ही कह सकता हूं कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। गलत इंसान नहीं होता बेटा, ये हालात हैं जो उसे गलत रास्ते पर डाल देते हैं। मैं तो बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुमने कैसे किया? बापू ना मैंने चोरी की है, ना डाका डाला है और ना ही किसी का खून किया है। बस तुम्हारे आशीर्वाद के सहारे काम शुरू किया और भगवान ने उसमें सफलता दे दी। पापू शहर में एक मंत्री जी रहते हैं, मैंने उनका एक छोटा सा काम किया और उन्होंने खुश होकर मुझे इनाम दे दिया। शाबाश बेटा, जीते रहो। भैया आपसे मिलने के लिए मंत्री जी ने थानेदार को भेजा है। मंत्री जी ने थानेदार को क्यों भेजा है? चलो चलकर देखते हैं। ठीक है। ऊपर वाला कभी आपको मंत्री जी की नजरों से ना गिराए। जाइए, आपका इंतजार हो रहा है, जाइए जाइए। पहचानता नहीं? तेरा सवाल ही तेरा जवाब है। अगर पहचानता होता तो तू ये सवाल ही नहीं करता। तो तू मेरी तारीफ मेरे ही मुंह से सुन ले। मुझे टाइगर कहते हैं, टाइगर। एक टाइगर जंगल में जानवरों की चीर फाड़ करता है और दूसरा मैं जो शहर में तुझ जैसे इंसानों की। कुछ लोग शौक से भी अपने कुत्ते का नाम टाइगर रख लेते हैं, लेकिन नाम बदलने से कुत्ते की जात नहीं बदल जाती। अबे लौंडे, भौंक मत कुत्ते। मारो साले को। Yeah!
बस राजेश बस। उस दिन कॉलेज में तुम्हारी जुबान की ताकत देखी थी, हाथ की ताकत का अंदाजा आज हो गया। अब तुम हमारे लिए काम कर सकते हो। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अब आप मुझसे बहुत से फायदे उठा सकते हैं। चलो ऐसा ही सही, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ ऐश ही ऐश है। हाँ करेक्ट, ओके जॉनी, दैट्स राइट जॉनी। या देखो जॉनी, ये धर्मदास के खिलाफ एक आर्टिकल है, इसे कल के इशू में किसी भी तरह एडजस्ट कर देना। अरे काजल, हमने इससे पहले भी धर्मदास के खिलाफ कुछ आर्टिकल छापे थे, अब ये तीसरा होगा। कहीं ये हैट्रिक हमारा क्लीन बोल न कर दे। देखो जॉनी, ये जर्नलिज्म है, तुम मेरी मदद करने के लिए इस फील्ड में अपनी मर्जी से आयो। तुम्हें मेरी मदद करने के लिए मेरी तरह बोल्ड होना पड़ेगा। देखो हमारा मकसद है सच्चाई को पब्लिक के सामने पेश करना। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरी तरह बोल्ड बनकर जो सच्चाई है बिना किसी के दबाव में आकर छाप दो, ओके? आंख बंद करके, ओके? देखो काजल, हमारा दोस्त तुम्हारा प्रेमी राजेश, वो धर्मदास के हाथों की कठपुतली बन चुका है। मैं उससे मिला और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उससे मिलूंगी और समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा समझाओ, तुम उधर छापो, मैं इधर छापता हूँ। देखो काजल, मेरे पास ऐसे झूठे शब्दों की चादर नहीं है जो तुम्हारी सच्चाई को छुपा सके, और मैं वो मुसाफिर हूं जिसकी ना कोई मंजिल है और ना ही कोई ठिकाना। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम किसी और का अपना जीवन साथी चुन लो और मुझे भूल जाओ। से जोड़ दिया मेरे हालात ने रिश्ता गमों से जोड़ दिया। हाय क्या खूब
रिश्ता गमों से जोड़ दिया, मेरे हालात ने रिश्ता गमों से जोड़ दिया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। नमस्ते जी। हाँ बैठिए। हाँ जी, हाँ जी। बैठिए। अरे बैठो बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते। देखिए, मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन में आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो हर एक इलेक्शन में होती है मंत्री जी, तभी तो कामयाबी आपके हिस्से में आती है। मंत्री जी, हम लोगों से वोट मांगते नहीं हैं, छीन लेते हैं। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन इस बार ये मत भूलना कि मेरा सामना शरद चंद्र जी से है। अबे तो हमेशा इससे इलेक्शन लड़ता था तो वेस्ट में क्यों चला आया? भाई ये मेरा नहीं, पार्टी का फैसला है। मगर तू क्यों फिक्र कर रहा है? जीत तो हम दोनों में से एक की होगी ना। अरे हमें तो जीत का घना पेड़ चाहिए जिसके नीचे हम दोनों बैठकर मजे करते रहें। फिक्र हार जीत की नहीं है, फिक्र तो इस बात की है कि हम दोनों दोस्त पहली बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अबे हम दोनों तो छुरी हैं और छुरी रहेंगे, और खरबूजा है इस देश की जनता, हम उस पर गिरेंगे तो से कटना है, और वो हम पर गिरेगी तो भी उसी को कटना है। अच्छा सुन, इलेक्शन के रिजल्ट तक हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। क्यों? अबे लंगोटिए,
जनता की नजर में हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। चलता हूँ। जी कौन है आप? कुत्ता। कुत्ता? हट हट। कल्लू कुत्ता। अक्का मुंबई अपने को पहचानता और अपने नाम से डरता है, कांपता है। तेरे छापा खाने में अपन शादी का इश्तिहार छापने को आया है। अच्छा 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 अच्छा, अपनी बेटी की शादी का इश्तिहार छपवाने आए हैं। अबे मैं तेरे को इतना बुड्ढा देखता हूँ क्या? खाली 40 पे 3 जास्ती है। अपनी 5वीं शादी का इश्तिहार देने को आया हूँ। 5वीं शादी? मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, टांग उठा के चले आए? तुम लोगों की वजह से देश की आबादी बढ़ रही है, तुम लोगों के कारण। छपरी के पेले की 4 में इनको छोड़ के चली गई तो 5वीं नहीं करूँ क्या? मेरा नाम कल्लू कुत्ता है। अच्छे अच्छे लोग की ना बोलती ढीली हो जाती, समझाना। तू मेरे को पहचानता नहीं इसलिए बहुत बात कर रहा है। मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो मुंह घुमा दूंगा, समझा? अपना मुंह घुमा, देख वहां जेब में देख। ए! ये क्या है? तेरा है क्या? नहीं मेरा है। मेरे पास किसके आ गया? मैजिक। मैजिक मैजिक। ये शाने, तेरा मैजिक वजिक क्या है रे? अरे भाई, जैसे आप कुत्ता दादा वैसे मैं मैजिक दादा। आपके हाथ में क्या है? छड़ी। देखिए, कुछ देर पहले आपके हाथ में थी, अब मेरे हाथ में है मैजिक। देखिए, गिरी नहीं। कैसे गिरेगी, मैंने पकड़ रखा है। कुत्ते दादा नहीं, कुत्ता दादा दादा। वन मोर मैजिक, छोटा सा मैजिक, वन मोर मैजिक। ओके, देखिए आपने गाली से गर्दन गिरी नहीं। मैजिक, वन मोर मैजिक। एक और मैजिक दिखाता हूं। मारिए। अब मारिए। इसे कहते हैं हटाओ मैजिक। कम हियर, मैंने हाथ रख दिया, अब मारिए। चम गई। ये तो खुद नहीं, मैं आपको इससे बढ़िया मैजिक दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। ये क्या मैजिक? दीवाने, मैं 5वीं तो क्या आखिरी शादी भी करने लायक नहीं रहा, टुंडा कर दिया मुझको, कुत्ता बना दिया। आज देश भर में मतदान कुछ एक राज्यों को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बिहार में बगहा, बरौनी, मुजफ्फरपुर में कुछ छिटपुट घटनाएं पाई गईं। अरे मंत्री जी, वहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है और आप यहाँ पर बैठे? अरे हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है, क्यों ममता जी? अभी अभी सूचना मिली है कि धर्मदास अपने प्रतिद्वंदी शरद चंद्र जी से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब शास्त्री नगर और नेहरू नगर के वोटों की गिनती पूरी होने वाली है। उम्मीद है आप लोगों के सामने रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। अरे रिजल्ट तो हमारे हक में रहेगा, क्योंकि शास्त्री नगर और नेहरू नगर के लोगों ने वोटिंग की ही नहीं ना। अभी अभी सूचना मिली है, शास्त्री नगर और नेहरू नगर के वोटों की गिनती के बाद पासा पलट गया है। धर्मदास अपने प्रतिद्वंदी शरद चंद्र से 10000 वोटों से हार गए हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सियासत के हथकंडे इतनी जल्दी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे राजेश। हम अपनी चाल पर शरद चंद्र से मार खा गए। शरद चंद्र मेरे दुश्मनों के यहां जश्न नहीं, मातम होता है, सिर्फ मातम।
आज की ताजा खबर शरद चंद की दिन दहाड़े हत्या, खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। आज की ताजा खबर शरद चंद की दिन दहाड़े हत्या, खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। आज की ताजा खबर शरद चंद की दिन दहाड़े हत्या, खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। आज की ताजा खबर। राजेश ये देखो किस तरीके से हमारे खिलाफ इस अखबार में जहर उगला है, देखो। और ये हरकत जो है तुम्हारी महबूबा की है, उसे ठीक तरह समझा देना कि शाम के बिल में हाथ डालने की कोशिश ना करें। उसकी आप चिंता ना करें, उसे मैं समझा दूंगा। हाँ, वो आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। ठीक है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तुमसे बेहतर जानती हूँ मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। हाँ जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के बाद तुम्हारे कागज मंत्री जी के खिलाफ काले नहीं होंगे। मेरे तो सिर्फ कागज काले होते हैं, लेकिन धर्मदास के काले कर्तृत्व का साथ देते हुए तुम्हारा दिल भी कोयले की तरह काला हो गया है। जो पाप करता है उसका दिल काला होता है, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप करना ही पाप नहीं होता, पाप के साझेदारी करना भी पाप होता है। तुम अच्छी तरह जानते हो शरद चंद्र का खून मंत्री धर्मदास के शहर पर हुआ था, लेकिन तुमने चोरी का दूध पीती हुई उस बिल्ली की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगे तुम्हें कोई नहीं देखता। हाँ मैं जानता हूँ कि वो कातिल है, खूनी है, लेकिन मेरे हाथ तो खून से नहीं रंगे। तुम्हारे हाथ खून से नहीं रंगे, लेकिन तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आत्मा पाप के दलदल में फंसी हुई। कल तक तुम अपने अच्छे आदर्शों का बोझ उठाए चल रहे थे, लेकिन आज धर्मदास के पापों का बोझ उठाए रेंग रहे हो। बोलो राजेश, क्या मिल रहा है तुम इस पाप के नर्क से? शोहरत, दौलत या आरक्षण की कोई नौकरी? इतना सस्ता सौदा किया तुमने अपनी जिंदगी का। अरे बिकना ही था तो अपने देश के लिए बिकते, अपने आदर्शों के लिए बिकते। और कहां गया तुम्हारा स्वाभिमान, कहां गए तुम्हारे सपने? देखो राजेश, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, छोड़ दो इस पाप के साझेदारी को, वरना कल ये न्यूज़ पेपर ही नहीं, सारी दुनिया कहेगी कि तुम कातिल हो, पापी हो, धर्मदास के जर खरीद गुलाम हो। जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो शरदचंद को मरवाने में आपका क्या फायदा था। अरे सीट खाली हो गई क्रांति, सीट अब दोबारा इलेक्शन होगी, अब मुझे कोई नहीं हरा सकेगा। ऊपर वाला मुझे आपकी नजरों से न गिराए सर जी, हार जीत का फैसला तो तब होगा जब आप इलेक्शन लड़ेंगे। अरे इलेक्शन लड़ने से हमें कौन रोकेगा? इंस्पेक्टर विजय सर जी, इंस्पेक्टर विजय, उसने आपके शूटर टाइगर को रंगे हाथ पकड़ा है। अरे टाइगर मर जाएगा लेकिन मेरे खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। नहीं सर जी, नहीं, आप विजय को नहीं पहचानते। जब वो सवाल करता है तो उसके डर से मुर्दे भी जवाब देने लगते हैं। अगर टाइगर ने यह बता दिया कि उसने शरद चंद्र की हत्या आपके कहने से की है,
तो ऊपर वाला भी आपको पुलिस की नजरों से न गिराए, सर जी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा कोई। अरे इस खादी के सामने उस खाकी वर्दी की औकात ही नहीं है। मैं आपको इन दोनों का फर्क बता देता हूं। धर्मदास जी, ये खाकी तो सिर्फ जाबाज पहन सकते हैं, और खादी, खादी तो बाजार से खरीद कर कोई भी पहन सकता है। इंस्पेक्टर, शायद तुझे इस खादी वर्दी की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये जब चाहे, जहां चाहे इस खाकी वर्दी को उतार कर तुम्हें नंगा कर सकती है। ऐसी गलती मत कीजिए मंत्री जी। आप जैसे पाखंडी नेता कल तक पुलिस वालों को सरकारी मुलाजिम नहीं गुलाम समझकर इस्तेमाल करते रहे, मगर आज से ऐसा नहीं होगा। मैं तो टाइगर की जमानत। अभी अभी आप वर्दी उतरवाने की बात कर रहे थे। आपने इस पवित्र वर्दी को क्या किसी पुतले के बदन से लिपटी हुई साड़ी समझ के रखा है? जो जब चाहा जहां चाहा उतरवा दी। लेकिन कमिश्नर साहब मेरी बात तो सुनिए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई धर्मदास। अगर आपने इस ईमानदार इंस्पेक्टर की वर्दी उतारने की कोशिश भी की तो मैं वादा करता हूं आपसे, इस थाने के तो क्या सारे देश के पुलिस वाले खुद अपनी वर्दी उतार देंगे, और इसका अंजाम क्या होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन कमिश्नर साहब, मुझे अपने इंस्पेक्टर के साथ अकेले में कुछ बातें करनी है। यू मे गो नाउ। न जाने अपने आप को क्या समझती है मुंबई की पुलिस। अरे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है उन्हें। नहीं, हर पुलिस स्टेशन में मैंने अपना आदमी रखा ना, तो मेरा नाम धर्मदास नहीं है। लाए दरला पेपर ला, साइन कर इस पे, यहां पर साइन कर। लेकिन मंत्री जी, मेरा सरनेम पंडित है, इसमें तो कुछ और लिखा है। मालूम है तुम्हारा नाम पंडित है। अरे तुम्हें सरनेम चाहिए पुलिस की वर्दी? मेरी बात सुनो, सरनेम चेंज करने से तुम्हारा नाम आरक्षित लिस्ट में आ जाएगा। करो सिग्नेचर करो। लेकिन आप ये भूल रहे हैं, ये एग्जाम में पहले भी दे चुका हूँ। आपने मेरा सरनेम बदला है, मेरा चेहरा नहीं। बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, नाम, पता, रिश्ता, चेहरा, सब बदल सकता है। हम तुम्हें कामयाब कराएंगे। सिग्नेचर कर। अरे सोच क्या रहा है, तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है? हैं? अभी अपने बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर आप पर पूरा भरोसा है कि आप जब चाहे जहां चाहे कुछ भी करा सकते हैं। चल साइड कर। सर जी। सर जी, मिठाई का जो डिब्बा आपने मुझे टाइगर को देने के लिए दिया था, ऊपर वाला मुझे आपकी नजरों से ना गिराए। सर जी, डिब्बा देते ही टाइगर तो फरार हो गया। लेकिन सर जी, ये इंस्पेक्टर विजय का शक आप पर और सिर्फ आप पर जाएगा, वो चैन से बैठने वाला नहीं। मैं भी तो नहीं चाहता कि वो चैन से बैठे। उस इंस्पेक्टर को मेरे बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। मैं सिर्फ उस इंस्पेक्टर को ही नहीं, सारे शहर को बेचैन कर दूंगा। आज आपकी बेटी बुखार बहुत।
दर्द हो रहा है? क्या मिला तुमको खून बहा के? 15 टांके, दर्द और ये अस्पताल का बिस्तर? हमारा खून उन छोटी जात वालों ने बहाया है। अरे जिसने अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाया ना, वो भी छोटी जाति का था। खून बहाने वालों की जात याद रहती और बचाने वालों की जात याद नहीं रहती। जरा वहां देखो, देखो वहां एक छोटी जात वाली, मगर इसको खून देकर इसकी जान बचाने वाले ऊंची जात का ठाकुर था। जब खून दिया जाता है तो ग्रुप देखा जाता है, खून की जात पात देखी नहीं जाती। ये इंजेक्शन, ये दवाइयां जो तुम्हारी जान बचाती है, धर्म और मजहब का लेबल लगाकर बाजार में नहीं बिकती। और तुम लोग जात पात का लेबल लगाकर एक दूसरे का गला काट रहे हो। अरे लड़ने का इतना शौक है तो जाके उन देश के दुश्मनों से लड़ो जो आतंकवाद फैलाते हैं, उन नेताओं से जाके लड़ो जो हम सबको लड़ाते हैं कुर्सी के लिए। उस माँ को देखो, देखो अपने बेटे की लाश पर रो रही है, लेकिन वो माँ जिसके हम सब बेटे हैं, जिसको आजादी दिलाने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, वो धरती माँ चीख चीख के कह रही है, नहीं चाहिए ये आजादी, नहीं चाहिए ये आजादी, नहीं चाहिए ये आजादी, नहीं चाहिए। मिस्टर धर्मदास, या मिस्टर धर्मदास, आई विल सप्लाई द आर्म्स यू वांट, कम टू मी एंड टेक इट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। हम आपको हथियार देगा। वंडरफुल, वंडरफुल। जाइए नेताजी, कुछ माल पानी खिलाइए, जाइए। प्लीज गो, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज कम कम। वेलकम राजेश, वेलकम। भाई तुम्हें वर्दी मिल गए, हम बहुत खुश हुए, और इसी खुशी में हम कल एक शानदार पार्टी भी दे रहे हैं। लेकिन भाई ये खुशी थोड़ी सी अधूरी है। देखना जिस दिन हम फिर से सत्ता में आएंगे ना, हम जरूर इस देश के माथे के तिलक बनेंगे, और हम चाहते हैं इस कार्यक्रम का श्री गणेश तुम्हारे हाथ हो जाए। कहिए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पेश कर रही है। अब अपोजिशन वाले चाहते हैं कि इन महिलाओं में दलित महिलाओं का कुछ हिस्सा रहे, और अब हम चाहते हैं कि इस बिल के विरोध में जात पात की नफरत ज्वालामुखी बनकर फूट पड़े, खून खराबा हो, फसाद भड़क उठे, गली गली में कर्फ्यू लग जाए। हम हर विद्यार्थी के हाथ से किताब छीनकर हथियार दे देंगे, और ये सारे हथियार हमारे विदेशी भाइयों के जरिए 2 दिन में हमें मिल जाएंगे। इन हथियारों को सीमा पार से देश के अंदर लाने का काम तुम्हारा हो। अरे भाई ये वर्दी हमारे किस काम आएगी? अरे एक बार हथियार आ गए, इस फसाद का उद्घाटन हमारे पालतू गुंडे करेंगे। किसी का घर जलेगा, किसी की दुकान जलेगी, और इस देश में ऐसा आतंक फैलेगा कि रूलिंग पार्टी को खुद ही अपनी सत्ता छोड़ देनी पड़ेगी। करेक्ट। यानी महिलाओं के इस आरक्षण बिल में इस सत्ता को सती होना पड़ेगा। क्यों, यही चाहते हैं ना आप? लेकिन सर आप दलित नेता हैं, अगर हंगामा हुआ तो इससे आपके लोगों को भी नुकसान हो सकता है। अरे होने दे, होने दे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बैठ, 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 बैठ। अरे होने दे, होने दे। देख राजेश, ना हम दलितों के पक्ष में है, ना ऊंची जात के पक्ष में है, हम तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी के पक्ष में। अरे भाई बगैर पावर के घर में पंखा नहीं चल सकता, तो बगैर पावर राजनीति में नेता कैसे चलेगा? सर इतना खून तो देश की आजादी के लिए भी नहीं बहाया गया था जितना आप एक सत्ता की कुर्सी के लिए नौजवानों का बहा देना चाहते हैं। देखो राजेश, ये नौजवानों की खून की चिंता और देश की सुरक्षा का डर हमारे इरादों को कमजोर नहीं बना सकता। ये हमारा आदेश है कि जितना जल्दी हो सके इस आरक्षण बिल की आग में इस देश को जला दो। अरे जैसे हम सत्ता में आएंगे उसे बुझाने का नाटक करेंगे। अरे इसे कहते हैं राजनीति के दांव पेच, तुम नहीं समझोगे। जाओ राजेश जाओ, आज तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, जाओ। ठीक है सर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।
जय हिंद। जय हिंद। चेक इसे कैश कर लो, बेरर है चेक इसे कैश कर लो, अरे जिंदगी है मस्ती यारो ऐश कर लो, जिंदगी है मस्ती यारो ऐश कर लो, बेरर है चेक इसे कैश कर लो, बेरर है चेक इसे कैश कर लो। महफिल सजी हुई है यारा गाले कोई तराना, मस्ती से जीने का प्यारे ढूंढ ले कोई बहाना, बल्ले बल्ले मेरी जा बल्ले बल्ले, खुली छूट है कुछ भी कर लो वक्त बीत न जाए, किसे पता ये घड़ी ऐश की फिर आए न आए, जिंदगी है मस्ती यारो ऐश कर लो, अरे जिंदगी है मस्ती यारो ऐश कर लो, बेरर है चेक इसे कैश कर लो, बेरर है चेक इसे कैश कर लो। महंगा पड़ गया तुझसे मैं लड़ाना, चढ़ गई तेरे रूप की मस्ती झूम उठा मैं खाना, बल्ले बल्ले मेरी जा बल्ले बल्ले, दीवाने की बात सही कोई माने या ना माने, कल क्या होगा यार मेरे ये बात कोई न जाने, जिंदगी है मस्ती यारो ऐश कर लो, जिंदगी है मस्ती यारो ऐश कर लो, चेक इसे कैश कर लो, बेरर है चेक इसे कैश कर लो, हर जिंदगी है मस्ती यारो ऐश कर लो, जिंदगी है मस्ती यारो ऐश कर लो, बेरर है चेक इसे कैश कर लो, बेरर है चेक इसे कैश कर लो। बल्ले बल्ले Next!
मंत्री धर्मदास, तेरा गुनाह यही है कि तू एक देशद्रोही है और हर देशद्रोही की यही सजा होती है। मुझे मत मार, मुझे मत मार राजेश। योर ऑनर, यह खूनी जो इस वक्त कटहरे में खड़ा है, यह राजेश पासवान नहीं, राजेश पंडित है, और इस बात का सबूत अदालत में दिया जा चुका है। योर ऑनर, आरक्षण कोटे से आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए इस शख्स ने अपने आप को राजेश पंडित से राजेश पासवान बना दिया। और मकतूल धर्मदास जी को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और इसे चेतावनी दी कि ये अपना जुर्म कबूल कर ले वरना वो इसकी पोल खोल डालेंगे। और ये सुनते ही ये मुजरिम तिलमिला गया और अपने जुर्म को छिपाने के लिए बड़ी बेरहमी से इसने मकतूल धर्मदास जी का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, ये शख्स सिर्फ कातिल ही नहीं बल्कि इसने दलितों का हक भी छीना है। लिहाजा मैं अदालत से यह दरखास्त करूंगा कि इस मुल्जिम को दफा 420 और दफा 302 के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले देश के नौजवान लोग तरक्की का शॉर्टकट रास्ता अपनाकर न पंडित से पासवान बनने की कोशिश करें और न ही किसी का बड़ी बेरहमी से कत्ल करें। सॉरी मिस्टर राजेश, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, मुझे यह कबूल करने में कोई शर्म नहीं कि मैंने खून किया है, क्योंकि मैंने किसी समाज सुधारक का नहीं बल्कि एक देशद्रोही का खून किया है। लेकिन मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है कि मैंने सिर्फ अपना पोल खुलने के डर से धर्मदास का खून किया है और पंडित से कुछ और बनकर दलितों का हक छीना है, ये सरासर गलत है। मैंने किसी का हक नहीं छीना है, मुझे पंडित से दलित बनाने वाला खुद धर्मदास ही था। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी का भी हक मारने से नहीं चूकते। आरक्षण के कोटे से न जाने कितनी सीटें वो अपने लोगों में बांट देते हैं। हम लोग तो उस मैदान की तरह हैं जो उनके खेलों को अपनी छाती पर झेलते हैं। उसने मुझे वर्दी दिलाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था, वो चाहता था कि मैं विदेशी हथियार अपने देश की सीमा के अंदर आने दूं और शहर में
महिला आरक्षण बिल के विरोध में फसाड़ फूट पड़े और जनता रूलिंग पार्टी को सत्ता से हटाकर उसे बिठा दे। जज साहब, मैं इस खेल में पंडित से कुछ और तो बन गया, लेकिन कुछ और से एक देशद्रोही नहीं बन सकता था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये मुल्जिम झूठ बोल रहा है। अगर इसे पता था कि धर्मदास देशद्रोही है तो इसने उसका दिया हुआ सहारा क्यों लिया, उसकी दी हुई वर्दी क्यों पहनी? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू कैन प्रोसीड। जज साहब, मैं भी अपनी योग्यता के आधार पर एक अफसर बनना चाहता था। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और अच्छे नंबर्स भी पाए, और मेरे पिता ने मुझे अफसर बनाने के लिए अपनी जिंदगी भर की सारी पूंजी लगा दी, लेकिन अचानक आरक्षण कानून दीमक की तरह मेरी मेहनत और पिता की पूंजी को एक ही झटके में चाट गया और मेरी बहन की इज्जत दांव पर लग गई। ऐसी हालत में कोई भी इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगा और मंत्री धर्मदास जैसे लोगों से जा मिलेगा। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं और ना ही दलित भाइयों को दी गई सुविधा का विरोध कर रहा हूं, बल्कि विरोध उन चंद लोगों से है जो सरकार की पॉलिसी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होने देते और जात पात के नाम पर फूट डालकर वोटों की राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान अमीर है और उनके पास जिंदगी के सारे सुख हैं, फिर भी उसे आरक्षण का हक दिया जाता है, ऐसा क्यों? आरक्षण की जरूरत तो उन लोगों को है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, चाहे वो दलित हो चाहे पंडित। हमारे देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं, जात पात पर लागू किया जाता है, ऐसा क्यों? राजेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा राजेश। राजेश, राजेश, आरक्षण हर गरीब के लिए क्यों नहीं? ऐसा क्यों? राजेश नहीं, राजेश तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। राजेश तुम्हें मेरी कसम, राजेश उठो, राजेश 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 राजेश।